दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज की पहली और इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ निकल करके आई है वो ये है कि डाटा सेंटर इंडस्ट्री एंड ब्लॉकचेन एसोसिएशन ऑफ कजाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उसने प्लानिंग किया है कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की माइनिंग फर्म्स लगाने जा रहे हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि यहां पर 1.5 बिलियन डॉलर का फायदा हो सकता है आने वाले 5 साल में। आप लोग सोचिए, पूरी दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो रही हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। आने वाला टाइम बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है और उसके साथ में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर स्ट्रांग होने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं। 2016-17 में बिटकॉइन के ATMs बहुत ही कम थे पूरी वर्ल्ड वाइड, लेकिन आज की डेट में पूरी दुनिया में बहुत सारे बिटकॉइन के ATMs लग रहे हैं। बिटकॉइन के ATMs अभी इस साल की बात है डबल हो चुके हैं। आप सभी लोगों, जितने भी फैमिली मेंबर पुराने हैं उन सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि मैं हमेशा कवर करता रहता हूं कि पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन के ATMs कितने हैं। 10,000, 12,000, 14,000 स्टार्टिंग में होते थे इसी साल और अब जाकर के 30,000 प्लस हो चुके हैं। आप लोग सोचिए पूरी ग्लोबली क्या हो रहा है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ATMs इतने ज़्यादा लग रहे हैं कि लोगों को बाइंग और सेलिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो रही है, डिपॉजिट और विड्रॉल करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो रहा है। और जितने ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ATMs हैं वो बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश और डॉलर में सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ATMs हैं जहां पर डॉज कॉइन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल करके आ रही है वो है नाइजीरिया कंट्री की तरफ से। ऑलरेडी मैंने इस न्यूज़ को कवर किया है, कई सारी नाइजीरिया कंट्री से न्यूज़ आ रही है CBDC को लेकर के, लेकिन वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर बुहारी जी, उन्होंने ये कहा है कि CBDC जो है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि CBDC से हमारी बहुत ही ज़्यादा GDP इंक्रीज हो सकती है और 29 बिलियन डॉलर तक जा सकती है आने वाले 10 साल में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रीजन बीइंग कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री हो या फिर ब्लॉकचेन हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर CBDC हो, जितनी भी चीज़ें क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से रिलेटेड है वो कहीं ना कहीं हर एक गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और दुनिया के जितने भी रिचेस्ट पर्सन है वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो भी बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो रही हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि जितनी आपकी कैपेसिटी है। अगर आपकी कैपेसिटी 500 रुपीज़ है तो आप 500 का रिस्क लीजिए, अगर आपकी कैपेसिटी 50,000 की है तो आप 50,000 का रिस्क लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं। पूरी दुनिया का पहला ऐसा कंट्री एल साल्वाडोर, जहां के प्रेसिडेंट है मिस्टर नई बुकेले जी, वहां पे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर मान लिया गया है और उन्होंने क्या किया है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू कर दिया है। पहले उन्होंने कुछ बिटकॉइन बाय किए थे, 50 बिटकॉइन, फिर 100, फिर 200, फिर 300। इस बार जो अभी मेजर करेक्शन हल्का सा आया था बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उसमें उन्होंने 420 बिटकॉइन बाय किए और अभी जो एल साल्वाडोर गवर्नमेंट होल्ड कर रही है वो 1120 बिटकॉइन होल्ड कर रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ चुकी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे रिचेस्ट पर्सन हो, चाहे बड़ी कंपनी हो या फिर कोई भी हो, हर एक मेंबर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट न्यूज, आपको पता है चाहे वो इंडिया कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, कनाडा हो, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, हांगकांग, थाईलैंड, कोई भी कंट्री हो, हर जगह फ्रॉड स्कैम होता रहता है, आपको बच करके रहना है। ऐसी न्यूज स्कीम्स आती रहती हैं, ऐसी वेबसाइट्स लॉन्च होते रहते हैं, ऐसे ICO टोकन, गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं जो स्कैम करके चले जाते हैं, इसलिए आप सभी लोगों को अलर्ट रहना है। न्यूज जो निकल करके आ रही है वो ये है कि यूनाइटेड किंगडम जो पुलिस है उसने क्या किया है, एक स्कैम जो पोंजी स्कीम चल रही थी उसको उन्होंने पकड़ लिया है और वहां पे $2.8 मिलियन का जो फंड था उसको सीज किया है।
जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रीजन कि पूरी दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं स्कैम होता रहता है और लोग फंसते रहते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए, रिसर्च स्टडी एनालिसिस कर लीजिए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में कि कहीं आप स्कैम में तो नहीं फंस गए हैं। लोग बोलते हैं मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया, मेरा बिटकॉइन खुल नहीं रहा है। बिटकॉइन खुलने वाली चीज नहीं है, वो वेबसाइट जो आपकी थी वो वहां पर आपकी लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको अलर्ट रहना। अगर आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, पता नहीं है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा ये प्रोजेक्ट अच्छा है या फिर नहीं, और ये कहीं फेक स्कैम में तो नहीं आप फंस गए। इसलिए हमेशा आपको केयरफुल रहना है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है शिबा इनु से रिलेटेड। मैंने ऑलरेडी कई वीडियो कवर किया है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग न्यूज, इंटरेस्टिंग डाटा बहुत सारे मार्केट में निकल करके आ रहे हैं, जो शिबा होल्डर्स को जानना जरूरी है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मूवी थिएटर का नाम जानते हैं आप लोग? अगर जानते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा। मैं आपको बता रहा हूं, AMC पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मूवी थिएटर है। इनके जो फाउंडर हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक पोल डाला है अपने फॉलोअर्स के लिए, और उन्होंने ऑलरेडी यहां पर अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे, इथेरियम को एक्सेप्ट करेंगे, डॉलर को एक्सेप्ट करेंगे, डॉज कॉइन को भी एक्सेप्ट करेंगे, और अगला नंबर जो आने वाला है वो शिबा इनु का होने वाला है। तो जितनी भी शिबा इनु की कम्युनिटी है वो वहां पर वोट कर रही है, आप लोग भी कर सकते हैं। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। तो अगर आप यहां पे, ये सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मूवी थिएटर, तो आप समझ सकते हैं कि कितने उनके फॉलोअर्स हैं। और अगर शिबा इनु को पेमेंट गेटवे के रूप में एक्सेप्ट करते हैं तो प्राइस में क्या होगा डजंट मैटर, लेकिन हाँ ये न्यूज बड़ी है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में एक दूसरी कंपनी को देख करके ही यहां पर पेमेंट गेटवे के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, शॉपिंग पोर्टल हो, या फिर मॉल्स हो, या फिर और कोई इंडस्ट्री हो। हर जगह बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट किया जा रहा है। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो इसलिए शिबा इनु के लिए जितने भी कम्युनिटी यूजर्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि अगर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया ऑफिशियली, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका ब्रेकआउट एकदम 99% चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं, माइक्रो स्ट्रेटजी। मैं बहुत दिन से इस कंपनी के बारे में बात करता रहता हूं, पूरी दुनिया में बहुत बड़ी कंपनी है, पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस है। माइक्रो स्ट्रेटजी के जो फाउंडर है मिस्टर माइकल सेलर, इन्होंने बहुत ही जबरदस्त बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है। जब बिटकॉइन 25,000 का था तब से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 20,000 में भी इन्वेस्टमेंट किया है। मैं हमेशा न्यूज कवर करता रहता हूं इनकी। $20,000 में भी लिया है, $25,000 में भी लिया है, $30,000 में भी लिया है, $40,000 में भी लिया है, $50,000 में भी लिया है। आप सोचिए, और ये बिटकॉइन बाय करते हैं, 2-4-5 बिटकॉइन नहीं बाय करते, सीधे 1,000-2,000-5,000 बिटकॉइन बाय करते हैं। अभी इनकी जो करंट होल्डिंग है, आप लोग सोच करके, आप लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे। इन्होंने अभी तक बिटकॉइन में $3.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, और जो इनकी बाइंग प्राइस है वो एवरेज जो है वो $27,000 के जोन में है। आप सोचिए, अभी बिटकॉइन का करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो $61,000 के जोन में चल रहा है, और इन्होंने बाय किया है $27,000 में। तो आप सोचिए कि इनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी डबल से ज्यादा का हो चुका है, और इन्वेस्टमेंट कितना है, $3.1 बिलियन। जिसके पास भी $3.1 बिलियन हो जाता है वो कहीं ना कहीं टॉप रैंकिंग में आ जाता है, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 में। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है, कितने बिटकॉइन होल्ड करती है, और अभी जो करंट वर्थ हो गई है इनकी $7 बिलियन हो चुकी है, और करंट जो बिटकॉइन इन्होंने होल्ड किए हैं 1,14,000+, 1,14,000 बिटकॉइन है। हम सभी, आप सभी 2-4-10 बिटकॉइन खरीदने के लिए सोचते हैं, एक बिटकॉइन के लिए भी बहुत सारे ऐसे यूजर होंगे जो खरीदने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा, लेकिन इनके पास 1,14,000 बिटकॉइन है। आप सोचिए इन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों किया, इनका ऑलरेडी पोर्टफोलियो डबल हो चुका है अभी 1.5-2 साल के अंदर। तो आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है। मैं ऑलरेडी कई सारी न्यूज बता चुका हूं, कई सारे प्राइस प्रेडिक्शन कर चुका हूं। बिटकॉइन $1,00,000 चला जाए, हैरानी मत मानिएगा, बहुत इजी है $1,00,000। उसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं, रियल इस्टेट की बहुत बड़ी लग्जरी ब्रांड है पुर्तगाल में, वहां पर उसने अनाउंसमेंट किया है ऑफिशियली
कि कार्डेनो का हम क्रिप्टो करेंसी, जो कार्डेनो क्रिप्टो करेंसी है उसको पेमेंट गेटवे के रूप में एक्सेप्ट करने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, लग्जरी मैंने ऑलरेडी बता दिया, रियल इस्टेट की कंपनी है, बहुत बड़ी है। तो कार्डेनो क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सोचिए कि उसमें अगर पेमेंट ले रहे हैं इसका मतलब वो कार्डेनो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट हो गया, और जितने भी यहां पर प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग होगी जो भी कुछ होगा वो कार्डेनो क्रिप्टो करेंसी पेमेंट के रूप में होगा। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो क्रिप्टो में इन्वॉल्व हो रही है, चाहे वो डायरेक्टली करें या फिर इनडायरेक्टली करें, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट कर ही रही हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कार्डेनो, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो कवर किया है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है चैनल पे विजिट कीजिए, कार्डेनो को पूरी रिसर्च एनालिसिस सब कुछ बताया हूं, 2-3 वीडियो बना चुका हूं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं, चैनलिंक प्रोजेक्ट $8-$10 से शेयर कर रहा हूं, $8-$10 पर भी वीडियो बनाया है, $18 पर भी वीडियो बनाया है, $20 पर भी वीडियो बनाया है, $25 पर भी वीडियो बनाया है, अभी $30 है। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, अभी भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। न्यूज जो निकल करके आ रही है वो ये है कि चैनलिंक की जो टोटल सप्लाई है मार्केट में उसका 25% जितने भी बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, जो व्हेल्स हैं, उन लोगों ने बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए स्टेक कर दिया है। आप सोचिए किसी भी प्रोजेक्ट का 25% स्टेक होना, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्राइस में इसके फ्लक्चुएशन अच्छा खासा दिखेगा और फ्यूचर इस क्वाइन का स्ट्रांग है, मैं लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को बताते हुए। उसके बाद में बात करेंगे यहां पर वॉलमार्ट की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। वॉलमार्ट की अगर हम बात करें तो मैं 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 कभी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की वॉलमार्ट बात नहीं किया है। र्यूमर्स आते थे मार्केट में, डजंट मैटर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ये एक्सेप्ट करते थे, न्यूज मार्केट में आ जाती थी। लेकिन अभी इन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि अभी 200 बिटकॉइन के एटीएम्स इंस्टॉल करवाए हैं अपने स्टोर में। आप सोचिए वॉलमार्ट पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस कंपनी है, और इनके फॉलोअर्स कितने हैं, यूजर्स कितने हैं, और 200 बिटकॉइन एटीएम्स लग चुके हैं, और इनकी प्लानिंग है कि 8000 बिटकॉइन के एटीएम और इंस्टॉल करवाएंगे। आप सोचिए 8000 बिटकॉइन के एटीएम्स पूरी वर्ल्ड वाइड ये लगाना चाहते हैं, इनके जितने भी यूजर्स हैं वो डिपॉजिट कर पाएंगे, विड्रॉल कर पाएंगे, शॉपिंग कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं इजी करने के लिए हो रहा है, जो पेमेंट हम लोग करते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए उसको इजी मेथड बनाने के लिए ये कर रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कोई ऐसी कंपनी नहीं बचेगी, कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं बचेगी, कोई ऐसा रिचेस्ट पर्सन नहीं बचेगा जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व ना हो। टाइम लग सकता है, चाहे वो आज करे या फिर 5 साल बाद करे या फिर 10 साल बाद करे, लेकिन सभी को बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में आना पड़ेगा। रीजन, प्रॉफिट हो रहा है, ट्रेंडिंग बिजनेस है, टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग और रिस्क ले रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है। ऐसी बहुत सारी मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आ रही हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस ऑल टाइम हाई तो हिट ही कर चुका है, $75,000 हम आने वाले वीक में भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, $75,000-$80,000 तक, और इस साल के एंड तक हम $1,00,000 तक आसानी से देख रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स हैं, उन सभी लोगों से आप लोग बच करके रहिएगा। जितने भी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जनरल क्वेरीज के लिए इसी वीडियो में कमेंट करिएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे फ्री बाइंग और सेलिंग सिग्नल्स भी देते हैं, बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स भी शेयर करते रहते हैं, बहुत सारे इंट्राडे ट्रेड भी करवाते रहते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो में 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।